सनी देओल की फिल्म भैया जी सुपरहिट में एक किरदार कहता है कि चीनी फिल्म देखो तो वो चलती ही रहती है और समझ में कुछ नहीं आता। यह बात शायद उसने अपनी ही फिल्म के बारे में कह दी है। हाँ, यह बात जरूर समझ में आती है कि भैया जी सुपरहिट एक खराब फिल्म है और वर्षों से अटकी यह फिल्म अटकी ही रहती तो बेहतर होता। नीरज पाठक को भैया जी सुपरहिट में बेहतरीन एक्टर और अच्छा बजट मिला, लेकिन वे ढंग की मसाला फिल्म भी नहीं बना पाए और दर्शकों को बोर करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश इन दिनों हिंदी सिनेमा में छाया हुआ है और भैया जी भी वहीं के रहने वाले हैं। वे डॉन हैं और उनकी पत्नी सपना उनसे रूठ कर चली गई है। मनाने और रूठने के दौर में भैया जी की हेलीकॉप्टर मिश्रा से मारपीट भी होती रहती है। वे फिल्म प्रोड्यूसर बनकर एक फिल्म भी शुरू करवा देते हैं। इस तरह के प्रसंगों के जरिए फिल्म को बहुत खींचा गया है और राहत तभी मिलती है जब फिल्म खत्म होती है। सनी देओल की छवि एक एक्शन हीरो की है, उनके फैंस उन्हें इसी अवतार में देखना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों उनसे कॉमेडी करवाई जा रही है। कॉमेडी भी ऐसी कि हंसने के बजाय खींच पैदा हो, बाल नोचने का मन हो। अभी कुछ दिनों पहले ही यमला पगला दीवाना फिर से में भी उन्होंने यही सब किया था। एक्शन सीन आते हैं तो वो बेहद नकली लगते हैं। सनी सिर्फ बदमाशों को उठाकर पटक देते हैं। ऐसा लगता है कि पर्दे पर उनसे पिटने वाले गुंडे भी उनकी इमेज से वाकिफ हों। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। अफसोस से ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि इतनी घटिया कहानी पर पैसा लगाने वाले लोग भी मिल गए। पूरी फिल्म में भैया जी से पत्नी ऐसे नाराज रहती है मानो उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, लेकिन बात चिंदी से भी छोटी रहती है। जब बुनियाद ही कमजोर हो तो उस पर महल कैसे खड़ा किया जा सकता है। कहानी को मन चाहे तरीके से घुमाया गया है, तर्क की गुंजाइश नहीं है। एक सनी देओल से मन नहीं भरा तो दूसरा सनी देओल खड़ा कर दिया है। छोटी सी बात को रबर की तरह खींचा गया है जबकि कहानी में किसी भी तरह का मसाला ही नहीं है। कॉमेडी देख रोना आता है, ड्रामा देख बोरियत होती है, रोमांस नकली लगता है और एक्शन रोमांचित नहीं करता है। जाहिर सी बात है कि फिल्म में मनोरंजन का नामो निशान नहीं है। निर्देशक के रूप में नीरज का काम बहुत खराब है। वे ढंग की फिल्म भी नहीं बना पाए। उन्होंने अपने कलाकारों से बहुत ज्यादा लाउड एक्टिंग करवाई है। सभी कलाकार चीखते चिल्लाते रहते हैं। भैया जी के गेटअप में सनी देओल अच्छे लगे हैं। उन्होंने अपना काम गंभीरता से किया है, लेकिन स्क्रिप्ट का साथ उन्हें नहीं मिला। फनी सी के रूप में वे बिल्कुल भी फनी नहीं लगे। प्रीति जिंटा, श्रेयस अल्पदे और अमीषा पटेल ने जमकर ओवर एक्टिंग की है। अरशद वारसी जरूर थोड़ा हंसाते हैं। पंकज त्रिपाठी, व्रजेंद्र काला और जयदीप अहलावत जैसे कलाकारों का कोई फायदा नहीं उठाया गया है। कुल मिलाकर भैया जी सुपरहिट न सुपर है और न ही हिट। उम्मीद की जानी चाहिए कि सनी देओल अब ऐसी फिल्मों से दूर ही रहेंगे। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 स्टार देता हूँ।